Hey guys, welcome back to my channel. If you new here, my name is Sabiba Rahman Ami और मैं आज आप लोगों के लिए एक हिंदी में ट्यूटोरियल कर रही हूँ और मैं हूँ बंगाली सो मुझे हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है फिर भी मैंने ट्राई किया आप लोगों के लिए हिंदी में ट्यूटोरियल करने के लिए मेरे बहुत सारे इंडिया से फ्रेंड्स हैं जो मुझे देखते हैं सो मैं उन सब के लिए आज ये ट्यूटोरियल कर रही हूँ अगर मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी तो फिर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को ज़रूर एक थम्स अप दे दीजिएगा और मेरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को सो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं बेस के लिए मैं ये एलिगल का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईज पे फिर मैं ये जैकलिन हिल पैलेट से इस कलर को मेरी आईलिड पर प्लेस करूँगी मैं ये रेड सा कलर मेरे आईज में प्लेस कर रही हूँ जस्ट मेरी आईलिड पर ये प्लेस करूँगी ये कलर लेके मेरी आईलिड का जो कलर मैंने अप्लाई किया था इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूँगी इस कलर को ये हम धीरे धीरे करेंगे नहीं तो ये पूरे आँख में फैल जाएगा ये ब्लैक कलर लूँगी ये ब्लैक कलर से मेरी आईज को इंटेंस करूँगी और फोकस करने के लिए इसके लिए मैं एक स्मॉल सा ब्रश का अप्लाई कर रही हूँ ये क्योंकि मुझे जस्ट ये कलर से अपना आईज को इंटेंस करने हैं ब्लैक कलर हम ज़्यादा नहीं लेंगे मैं अपना मिडिल को एक शिमर शेड से फोकस करूँगा कंसीलर से मेरी मिडिल को मैं कट क्रीज करूँगी मैं फुल आईज पे कट क्रीज नहीं करूँगी सिर्फ मैं मिडिल पे ही कट क्रीज करूँगी और फिर मैं एक शिमर कलर अप्लाई करूँगी मेरी आईज पर अब मेरी कट क्रीज पर मैं एक गोल्डन शिमर कलर अप्लाई करूँगी मैं एक फ्लैट ब्रश से ये मेरी कट क्रीज है इस पर ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ये बहुत ही पिगमेंटेड है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकर फिर मैंने अप्लाई किया है अब कोई हर्श लाइन नहीं रहने के लिए मैंने जो ब्लैक कलर अप्लाई की थी उससे मेरी शिमर कलर के साथ मैं फिक्स कर दूंगी और मैं धीरे धीरे ब्लेंडिंग करूंगी और ब्लेंडिंग की वजह से मेरी जो हर्श लाइन है वो मिट जाएगी मेरे फेस पे अब मैं एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ और फेस मेकअप के पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है इससे आपको बेस बहुत अच्छी आएगी अब मैं प्राइमर के लिए फर्स्ट वाली यूनिकॉर्न एसेंस इस प्राइमर को अप्लाई कर रही हूँ मैं ब्रश की मदद से मेरी प्राइमर को ब्लेंड कर रही हूँ
फाउंडेशन के लिए मैं मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन और फोकुलर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी फाउंडेशन, फिर मैं ये जो ब्रश है इसके मदद से ब्लेंडिंग करूँगी, फिर मैं इस स्पंज की मदद से ब्लेंड करूँगी। इससे जो मेरा ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे रह जाएगा वो स्पंज सोक कर लेगा, और इससे मुझे स्मूथ सा बेस आएगा। मैं अब ये स्पंज की मदद से धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी, और मैं आज कोई कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरी जो मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन है ये बहुत ही फुल कवरेज और मैट फाउंडेशन है। आप देख रही हो मेरी आईज़ के नीचे और अंडर आई पे मैंने टू लेयर अप्लाई किया है, इसलिए वो एकदम कंसीलर के तरह ही हो गई है। इसलिए मैं आज कोई कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी, और मेरी जो कंसीलर एरिया है उस पर मैं दो लेयर अप्लाई कर दूँगी। अब मैं मेरी फेस को बेक करूंगी। बेकिंग फेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपकी जो बेस है बेकिंग से वो लॉक हो जाएगी। और एक बात, बेकिंग के बाद आप कोई कंसीलर फाउंडेशन या क्रीमी तरह कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर सकती है, इसलिए जो क्रीमी प्रोडक्ट है वो बेकिंग के पहले कर लेना। अब मैं मेरी जो पाउडर है इसको मैं डस्ट अप कर लूँगी, और डस्ट अप के लिए मैं ये ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। मैं 5 मिनट्स मेरी फेस को रेस्टिंग के लिए दी थी ये पाउडर से, फिर मैंने ये डस्ट अप किया है। मैं ये W7 ब्रॉन्जर से मेरी फेस को ब्रॉन्जिंग करूँगी। मेरी जो फेस है बहुत लाइट लग रही है, इसलिए मैं आज ब्रॉन्जिंग करूँगी, कोई कंट्रोलिंग नहीं करूँगी, मेरी फुल फेस पर ही मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी। और इससे आपको फेस में जो डबल चिन है, और आप अगर गोलू मोलू मोटा सी हो तो वो ढक जाएगा और आपको एक स्लिम फिगर लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। मुझे ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगती है क्योंकि फेस को आप जैसे ही शेप देना चाहती हो वैसे ही शेप दे सकती हो इस कंटूरिंग और ब्रॉन्जिंग की मदद से। अब मैं मेरी चीक्स पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। मैं एक पीची पिंकिश शेड का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सा पिंकी नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ही ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं मिस रोज का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन के लिए मैं ये पर्पलिश और ये ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। We'll be walking.
का आइकॉन व्हाइट कलर पेंट में अपने कर दूँ। मैंने ऑफ कैमरा पे मेरा जो लैश है वो लगा ली है और मैंने मेरा आईलाइनर कर ली है और मेरा फुल जो आई मेकअप है ये कंप्लीट कर ली है मैंने। और फिर मैं अब ये लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और लिपस्टिक के लिए मैं गोल्डन रोज का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। सीधी आई होप कि इस कलर के साथ एक पिंकिश सा कलर बहुत अच्छा लगेगा और क्योंकि रेड इसके साथ मैंने आई लुक बहुत ही गॉर्जियस किया है इसलिए मैंने ये पिंकिश सा कलर चूज की है। अब मैं मेरी फेस को सेट करने के लिए रेवोल्यूशन का सेटिंग्स पे अप्लाई करूँगी। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो फिर एक थम्स अप तो चाहिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सब लोग अच्छी रहिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर मेरी बात में कुछ गड़बड़ हो जाती है या हो गई है तो फिर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया हिंदी बोलने के लिए। सो ये था मेरा आज का फाइनल लुक। सी दिस। अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो फिर ज़रूर कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो आज इतना ही। बाय बाय।